सिटी में आज बुधवार को बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी महिलाएं सड़कों पर उतरी एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी नेताओं ने कहा कि गत दिनों कैथल में मंत्री कमलेश डांडा से मिलने के लिए कई जिलों की आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची थी। इस दौरान मंत्री कमलेश डांडा द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई एवं वह आंगनवाड़ी वर्करों को झांसा देकर अपने निवास से निकल गई। इसके बाद कैथल पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया एवं दुर्व्यवहार किया गया, जिसके रोष स्वरूप आज करनाल सीएम सिटी में महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्करों ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं सरकार के मंत्री आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की मांगे नहीं मान रहे हैं और ना ही बातचीत कर रहे हैं, जिससे सभी आंगनवाड़ी वर्करों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कैथल में हुई बदसलूकी से सभी आंगनवाड़ी वर्कर एवं सर्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि सकते में आ गए हैं और सरकार के इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपना विरोध दर्ज कराया। सबसे बड़ी मांग तो ये है, जो हमारी लीडरों के साथ, वर्करों के साथ कमलेश डांडा ने बदतमीजी की है, वो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस एवज में पूरा हरियाणा प्रदर्शन कर रहा है। अच्छा, और दूसरी क्या मांग है? दूसरी, जो 10/3/2018 में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी, हमारे साथ एक फैसला किया था, वो आज तक लागू नहीं किया, उसे लागू किया जाए। फैसले में क्या हुआ था? उन्होंने कहा था कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर का दर्जा दिया जाएगा और न्यूनतम वेतन के साथ जोड़ा जाएगा, छठे महीने डीए की किस्त लगेगी, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, पीएफ की सुविधा दी जाएगी। आज तक कुछ नहीं दिया। तो आज आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर इकट्ठे हुए हैं? नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर। तो कहाँ जाएंगे फिर? हम पीओ को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देंगे, कहाँ कहाँ से आए हैं? पूरे जिले से, अपने जिले से, करनाल जिले से। आपका क्या नाम है? मधु शर्मा। जो धरना है ये हमारा, ये हमारी जो मासिव है कैथल में 26 सितंबर 2020 को एक हमने बातचीत की थी कमलेश डांडा मंत्री से, जिसमें कोरोना की वजह से कुछ एक जिले गए हुए थे, जिसमें करनाल जिला भी शामिल था। तो उन्होंने बातचीत जो की थी, तो उन्होंने कहा था कि सीएम साहब से हम बात करवाएंगे। उन बातों को 2 से ऊपर महीने हो चुके हैं और 28 तारीख को जब पहले ही उनको बता दिया गया था कि भाई आज बातचीत के लिए टाइम दिवाने लेने के लिए कैथल की जो जिला की वर्करें थी सभी, वो कमलेश डांडा के निवास पे पहुंची, तो कमलेश डांडा मंत्री वहां से निकल चुके थे और 4:30 बजे तक जब वो नहीं आई, तो वहां के एसडीएम साहब ने बदसलूकी का रवैया किया और वहां पे बोला कि इनको गिरफ्तार कर लो। वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आई हुई थी और हमारे महासचिव शकुंतला जी भी थे और वहां पे धक्का मुक्की में हमारी बहुत सारी वर्करों को चोटें भी आई हैं और जो कैथल वाली पुलिस थी वो गिरफ्तार करने में कामयाब तो नहीं हुई हमारी को, लेकिन उन्होंने उनके कपड़े पार दिए, बहुत सारी जो जेवर कानों में नाकों में डाले हुए थे वो भी उनके गुम हुए हैं और आज उसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई ऐसे कौन सा कानून है जो हम अपना हक सड़कों पे बैठ के नहीं मांग सकते? हम तो वहाँ पे बैठ के बहुत शांति प्रिय धरना कर रहे थे और मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आके एसडीएम साहब ने एकदम से लाठी चार्ज करवा दिया और वहाँ पे गिरफ्तारियों के वारंट दे दिए, वारंट के बगैर ही मतलब गिरफ्तारियां करवानी शुरू कर दी। और इस मंच के माध्यम से हम कमलेश डांडा मंत्री को गौर निंदा करते हैं, उनको तमीज़ नहीं है बात करने की, उनको तमीज़ नहीं है इस बात की कि वर्करों को या इस ICDS को कैसे चलाना है, उनको ज्ञान भी नहीं है और नारी होकर नारी का इस प्रकार से शोषण करती है। हम इस मंच के माध्यम से उनका इस्तीफा मांगते हैं क्योंकि उनको काम करने। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.